दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सरमाया डॉट पी के पाकिस्तान ओनली वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड म्यूचुअल फंड्स। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 5 सालों में महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत डबल से भी ज़्यादा हो गई है, गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया है और हुकूमत पाकिस्तान दे रही है सिर्फ 2,000 रुपये। आपको याद है कि हर ईद पर बैंक अवाम को नए नोट देते हैं, तो वो नए नोट्स कहाँ से लाते हैं? बैंक को नए नोट देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब हुकूमत नए नोट छाप सकती है तो वो ढेर सारे नोट छाप के अवाम में बांट के उसको अमीर क्यों नहीं कर देती? क्यों अवाम को सिर्फ 2,000 रुपये ही मिल रहे हैं? तो इसका जवाब देने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट नोट छाप के सबको अमीर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने से डिमांड एंड सप्लाई का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी। ये सब मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करती है कि वो हर पाकिस्तानी को 2,000 रुपये नहीं बल्कि 50,000 रुपये इमदाद देगी, तो अब सारे पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे कि उनको मुफ्त में बैठे बैठाए 50,000 रुपये मिल जाएंगे। तो अब वो 50,000 रुपये लेंगे और राशन खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लेंगे। अब एक दुकानदार है जिसके पास 150 रुपये वाले 500 किलो चावल पड़े हुए हैं और जब वो दुकान के बाहर खरीदारों की लाइन देखता है तो 3,000 लोग चावल लेने के लिए खड़े हुए हैं, जिसका मतलब अगर वो एक बंदे को 10 किलो चावल भी दे तो सिर्फ 50 लोग ही पूरे होंगे। अब वो दुकानदार कहता है कि अगर डिमांड इतनी ज़्यादा है तो मैं चावल 150 नहीं बल्कि 300 रुपये किलो के हिसाब से बेचूंगा। तो कुछ आवाम चली जाती है और पीछे 2,500 लोग बच जाते हैं। अब वो कहता है डिमांड तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, मैं 300 नहीं बल्कि 600 रुपये किलो के हिसाब से चावल बेचूंगा। तो फिर 500 लोग चले जाते हैं और 2,000 लोग बच जाते हैं, जिसका मतलब डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो दुकानदार ये साइकिल चलाता रहेगा जब तक डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस ना हो जाए। अब एक पॉइंट आएगा जहाँ डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस हो जाएगी। फर्ज करें डिमांड एंड सप्लाई मेट होती है 2,500 रुपये किलो पे जाके, जिसका मतलब जिस बंदे ने सोचा था वो 7,500 रुपये में 150 रुपये वाले चावलों की 50 किलो की बोरी ले लेगा, उसके हिस्से में अब सिर्फ 4 से 6 किलो चावल ही आएंगे। तो बजाय कि पाकिस्तानी वहां को 50,000 रुपये दे के हुकूमत उनकी मदद करती, हुकूमत उल्टा मुल्क में हद से ज़्यादा महंगाई ले आई है और 50,000 रुपये मिलने के बाद भी गरीब आदमी की ज़िंदगी वैसी ही है जैसी 50,000 रुपये इमदाद मिलने से पहले थी, यानी इन प्रैक्टिकल अवाम को इस इमदाद का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा कहीं हुआ भी है या नहीं, तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ है जिम्बाब्वे में, जहाँ जिम्बाब्वे की हुकूमत ने इतने पैसे छाप दिए थे कि 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट आ गया था और महंगाई 500 अरब फीसद के हिसाब से बढ़ गई थी और जिम्बाब्वे की इकॉनमी के एक पॉइंट आया इतना बुरा हाल हो गया था कि जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी ही खत्म कर दी और अब जिम्बाब्वे में US डॉलर चलते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया की कोई भी हुकूमत पैसे छाप के अपने शहरियों का अमीर क्यों नहीं बना देती, तो उसकी ये वजह है।